दो क्वेश्चन यहाँ पर है। फर्स्ट इज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दिया जाता है और हाइपोकैल्शियमिया क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम ब्लड के साथ NSC क्यों दिया जाता है, RL या DNS क्यों नहीं दिया जाता। बात की जाए आंसर फर्स्ट की, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड एक होता है हमारा फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है दोस्तों? फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर पाए जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, जिसके अंदर से एक क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा फोर्थ, वो होता है कैल्शियम, ये पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम अगर ब्लड बैंक की, तो जब हम ब्लड को ब्लड बैंक से लेकर आते हैं तो ब्लड के अंदर पाया जाता है एक एंटीकोगुलेंट जिसका नाम होता है सिट्रेट। सिट्रेट क्या है? एक एंटीकोगुलेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है? हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, जो हमारे बैग के अंदर ब्लड है। जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड को क्या किया जाता है? ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, तो ये क्या करेगा? हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम को बाइंड कर लेगा अपने साथ में, यानी कि अपने साथ में ये जोड़ लेगा, बाइंड कर लेगा। और बाइंड करने से ये क्या हो जाता है? हमारा कैल्शियम जो है ये हो जाएगा इनएक्टिव, ये हो जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव होने से यहाँ पर जो कैल्शियम है अपना जो फंक्शन है वो उसका डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज फंक्शन। और इससे हमारे जो बॉडी के अंदर है वो कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये हो गया हमारा फर्स्ट BT। सेकंड BT यानी कि सेकंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तब वापस सेम प्रोसेस होगा, जो हमारा सिट्रेट है वो बाइंड कर लेगा किसको? कैल्शियम को। और कैल्शियम क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा इनएक्टिव फॉर्म में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे बॉडी के अंदर है वो हमें हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलेगा दोस्तों। और जब हाइपोकैल्शियमिया होता है तो यहाँ पर हमें टिटनी, यानी कि टिटनी के यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड है मसल क्रैम्प्स, और यहाँ पर मसल स्पाजम, और इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ हाइपोकैल्शियमिया के जैसे जो है पॉजिटिव चास्टिक साइन और पॉजिटिव ट्राउजर साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चास्टिक साइन के बारे में बात करें तो चास्टिक साइन क्या होता है कि हमारे जो चिक है यानी कि हमारे गाल है उन पर टैप करेंगे तो वहाँ पर स्पाजम देखने को, मसल स्पाजम देखने को मिलेगा। और ट्राउजर्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, हाथ के अंदर जब BP कफ को बांधा जाता है और इन्फ्लेट करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिलेगा हमारे हाथ का, जो है हमारे मसल्स का स्पाजम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो हाइपोकैल्शियम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब हमें 2 BT कम्प्लीट हो जाते हैं तो हमें वहाँ पर इन सभी सिम्टम्स को सब्साइड करने के लिए हमें वहाँ पर क्या करना होता है दोस्तों? कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन हमें वहाँ पर लगाना है, जिससे कि हमारे जो कैल्शियम है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर वापस जो ये सिम्टम्स है टिटनी के और वो सारे सब्साइड हो जाएंगे, जो पॉजिटिव चास्टिक और ट्राउजर साइन है वो भी वहाँ पर सब्साइड हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था कि यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दिया जाता है, तो उसका यहाँ पर ये इसका रहेगा कि जो सिट्रेट है ब्लड बैग के अंदर वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है और कैल्शियम को इनएक्टिव कर देता है, जिसके कारण से वहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा और मोस्टली हमें उसको सब्साइड करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है दोस्तों। और दूसरी बात है कि हाइपोग्लाइसीमिया होता क्यों है, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया है कि कैल्शियम के बाइंड करने से कैल्शियम वहाँ पर इनएक्टिव हो जाएगा और इनएक्टिव होने के कारण वहाँ पर उसकी कमी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आंसर नंबर 2 की, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था उस सेकंड वाला, जिसमें था कि हमें ब्लड के साथ NSA क्यों दी जाते हैं, RL और DNS क्यों नहीं दी जा सकती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो NS है ये क्या होता है दोस्तों? आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है? आइसोटोनिक, यानी कि इसके जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल ब्लड के सेम होते हैं और इसमें कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये ब्लड को हार्म नहीं पहुंचाता है, ब्लड को क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर NS उसके साथ कंपेटिबल है, इसलिए हम NS को देते हैं। अब बात करें कि RL क्यों नहीं दी जाती है।
तो देखिए दोस्तों, आयरन के अंदर कुछ मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। जैसा कि हमने पहले बात की कि कैल्शियम क्या है, एक क्लोटिंग फैक्टर है जो कि पाया जाता है आयरन के अंदर। और जब ये हमारे ब्लड के साथ में इसको ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर ब्लड है, जब दोनों को पैरलर यहाँ पर इन्फ्यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, जो उसमें ब्लड में पाया जाने वाला सिट्रेट ये बाइंड कर लेगा वापस कैल्शियम को, और वहाँ पर जो है ब्लड हमारा क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा, जिसके कारण हमें पेशेंट के अंदर हीमोलाइसिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार डीएनएस जो है वो भी एक प्रकार से हमारे ब्लड के अंदर हीमोलाइसिस करता है। दोस्तों हीमोलाइसिस का मतलब है आरबीसी को तोड़ता है, हीमोलाइसिस करता है, जिसके कारण जो है हमें ब्लड के साथ हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं। यही कारण है कि हमें एनएस दी जाती है और आरएल नहीं दी जाती है।